कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या चीज होती है जनाब। आप लोगों ने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। असल में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आप जितने भी प्रमोशन टूल्स इस्तेमाल करते हैं उन तमाम को आप इस तरह आपस में इंटीग्रेट करेंगे कि जो मैसेज आपका ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट के बारे में मल्टीपल चैनल से जा रहा है वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो टेलीविजन एडवर्टीजमेंट है वो कुछ और कह रही है, रेडियो में जो आ रही है वो कुछ और कह रही है, प्रिंट से कुछ और पता लग रहा है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग कुछ और बता रही है, आपकी सेल्स फोर्स कुछ और सुना रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अगर आपके जो डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं तो मार्केट में आपके बारे में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी। जो कन्फ्यूजन पैदा होगी तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए कहा यह जाता है और ये एक असूल के तौर पे कहा जाता है, दो बातें, एक ये कि एवरीथिंग कम्युनिकेट्स, यानी वो वर्बल है या नॉन वर्बल है वो कम्युनिकेट करती है, और इफ इट इज द फैक्ट इफ एवरीथिंग कम्युनिकेट्स देन इट शुड देन एवरीथिंग शुड गिव वन यूनिफाइड मैसेज। अगर हर चीज कम्युनिकेट करती है तो हर चीज का जो एंड मैसेज है वो ये होना चाहिए कि कस्टमर के जहन में एक ही इमेज, एक ही पोजिशनिंग सेट हो, एक ही जो तस्वीर है वो कायम हो। तो जो IMC है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें कहा जाता है कि हमें अपनी प्रमोशन को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रमोशन मिक्स टूल्स हैं या जो हम डिफरेंट मीडिया इस्तेमाल करते हैं, देखिए ना, अब अगर वैसे तो प्रमोशन मिक्स में और मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में डिफरेंट टूल्स हैं, अब उनमें सिर्फ अगर आप एडवर्टीजमेंट को लो तो उसके अगर अंदर ही मल्टीपल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि एक तो टूल्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, सेम मैसेज दें, और फिर जो हर टूल में आप डिफरेंट मीडिया ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सेम मैसेज दें। इसलिए अब क्या होता है कि कंपनीज अगर ये समझती हैं कि उनको एडवर्टीजमेंट को मेन टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसको इस तरह से डिजाइन करती हैं कि बाकी तमाम टूल्स उसको फॉलो करें। आपकी सेल्स टीम भी वही टैगलाइन यूज करे जो एडवर्टीजमेंट में है, आपकी सेल्स प्रमोशन भी उसके साथ अलाइंड हों, आपकी पब्लिक रिलेशनिंग कंपेन्स भी उसको एंडोर्स कर रही हों, आपकी कंटेंट मार्केटिंग में भी उसी के बारे में बात की जा रही हो। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखिए आपके जो प्रमोशन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी आप चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको IMC और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।